हाउ इज़ इट गोइंग गाइस, तो हाल चाल कैसा चल रहा है। मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो ये वाला गेम प्ले गाइस एक दिन पुराना था तुम्हारा सीज़न रिसेट होने से पहले, ठीक है। तो बोल सकते हो कि इसका जब पैच आ गया था तुम्हारा न्यू सीज़न वाला, तुम्हारा उसके बाद वाला गेम प्ले, सो अभी भी साइथर तुम्हारा इतना ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोई नर्फ और बफ नहीं मिला था, साइथर को देख लो। तो मैं बहुत दिन से साइथर नहीं खेला हुआ था और ढेर सारे लोगों को देखता भी नहीं हूँ साइथर खेलते हुए, तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई कर लेता, क्योंकि स्क्वीसी वाला टीम के सामने ना साइथर बहुत ही ओपी रहता है। और अभी तुम्हारा सब स्क्वीसी पोकेमोन्स खेलना फिर से स्टार्ट कर दिया है। म्यूटू एक्स है तुम्हारा एक जो हमें परेशान कर सकता है ना, तो उसके अलावा कोई भी पोकेमोन तुम्हारे सामने काम नहीं आएगा इसके सामने। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इस गेम में, साइथर का लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइटम देख लेना, अटैक वेट खेलता हूँ, रेजर क्लो, उसके बाद एक तुम्हारा एम्पलीफायर खेलता हूँ। एम्पलीफायर को हटा के तो लोग फोकस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ईजिली तुम एम्पलीफायर खेलना, ये तुमको बहुत काम आएगा, तुम्हारा सोलो क्यों में ओपी है, ठीक है। और बैटल आइटम के लिए फुल हील ले लेना। चलो इन गेम चलते हैं, देखते हैं इस गेम में क्या करने पाएंगे। सामने वाला टीम को देखो, एक दो बंदा है जो परेशान कर सकता है हमको। ब्लास्टोइस तुम्हारा परेशान कर सकता है और ड्रैगनाइट परेशान कर सकता है। वैसे वो सीजोर खेलेगा तो भाई वो भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि सीजोर भी बहुत ज़्यादा टैंकी हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखने पाते हैं। वैसे सिंडर है भाई, सिंडर ही को टारगेट करना हम लोगों को, एप्सल को टारगेट करना, मेरा टीमर्स लोगों को डैमेज देना, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा पीछे से घुस के क्लीन अप करने का। तो एक तरह से साइथर तुम्हारा ना एकदम क्लीन अप वाला बंदा है, ठीक है। जैसे ग्रेनिंजा का तुम्हारा सर्फ वाला मूव सेट रहता है, वैसे साइथर भी है तुम्हारा। तो चलो क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैं इसमें सेंटर मार्क लगाया हूँ, मुझे सेंटर मिलेगा तो ईजी रहेगा गैंग कुंग करने के लिए। ना तो तुम इसको लेन में भी खिला सकते, क्योंकि अटैक वेट खिला रहे हो तो भाई लेन में भी काम आ ही जाता है। और इसका सिक्योर सब भी उतना ख़राब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा क्विक अटैक भी ठीक ही सिक्योर करता है, फ्यूरी कट बेस्ट है तुम्हारा सिक्योरिंग के लिए, लेकिन तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा ट्राई हार्ड, क्योंकि भाई सामने में अगर कोई ऐसा अटैकर आ गया जैसे तुम्हारा इंटेलियन है, तब तो भाई इंटेलियन सारा चीज़ को सिक्योर ही कर लेता है। स्टार्टिंग गेम उसका कुछ ज़्यादा ही बीस्ट वाला है। लेकिन चलो हम लोग क्या करने पाते हैं, यहाँ पर तुरंत तुरंत हम लोग फार्म करते हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा लेन गैंग करना है। वैसे हम लोग ना एक तरफ ऐसा जगह गैंग करें ना जिधर तुम्हारा ज़्यादा हाई लेवल वाला पोकेमोन हो, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा लेवल चाहिए होगा, वैसा जगह में गैंग करेंगे ना तो अच्छा रहेगा अंडर लेवल रखने के लिए एनिमीज टीम को। तो चलो नीचे में चलते हैं। नीचे में हमको सिंडर भी दिख रहा है भाई, सिंडर का स्टार्ट करना है। वैसे साइथर है और ड्रैगन नाइट है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। और ये देखो हम बोले थे ना भाई, ये खतरनाक है एकदम, स्टार्टिंग का गेम देखो क्या बीस्ट है, एकदम ईजी है। केओ निकाले दो, तीनों का बंदा का निकाले, यहाँ तक ये लोगों का जंगलर भी कुछ नहीं करने पाया, अच्छा खासा स्टार्टिंग गेम गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डैमेज देने का कोशिश करते हैं, फिर ब्लास्टोइस निकल जाएगा फिर से लग रहा है। और ये देखो चार का चार बंदा ये लोग बॉटम लेन में खेल रहा है, गजब ही दिमाग लगा रहा है। लेकिन भाई थोड़ा सा ना स्क्वीजी पड़ जाता है, देखा कितना जल्दी मेरा एचपी रिड्यूस हुआ है। हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हीलिंग लेने के लिए, उसके बाद फिर से घुसते हैं फाइट में। वैसे मेरा म्यू का बहुत डैमेज ज़्यादा है, और देखते हैं यहाँ पे फिर से घुसने का। उसके बाद ड्रैगन नाइट को निकाल लिया इजली, नाइस। और लेवल 7 पहुँच गए गाइस, स्टार्टिंग का गेम देखो भाई क्या खतरनाक है। चार बंदा था नीचे में ये लोग, बेचारा फिर भी ये लोग इतना डोमिनेट हो गया है। उस ऊपर में तो भाई जेरोरा को अच्छा खासा स्टैक मिल गया होगा, तुम्हारे एसपियन को भी पूरा ईजी पड़ा होगा गेम। अगर ऊपर में फ़ायदा नहीं उठाने पाया तो भाई क्या बोले, अपना ही टीम का गलती है। तो चलो वही करते हैं, डबल हिट खेलते हैं, डबल हिट बहुत ओपी मूव है। उसके बाद हम लोग फिर सेंटर के लिए बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई आएगा तो उसको धोया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कोई कॉन्टेस्ट करने वाला आने वाला है। वैसे नीचे में फिर से जा सकता है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, बॉटम लेन में ज़्यादा प्रेशर डालने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा वेट करता इन लोगों को अंदर जाने देता हूँ। अरे यार इसको ही कर लिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे डैमेज निकालने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा पीछे से होके, क्योंकि हम बोले थे ना सीजोर परेशान करेगा, क्योंकि टैंकी है भाई, लेकिन निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, समझा ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से घुस सकते हैं, फिर सिंडर को निकाले सबसे पहले, फिर अल्टी आ गया भाई, अल्टी मारने में टाइम नहीं निकालते हैं। और भाई पेंटा का हमको यहाँ पे लग रहा है, शायद पेंटा मिल जाए भाई, भाई 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 पेंटा दे दे भाई, पेंटा दे दे। अरे यार क्या ही बोला यार, यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं करता। कम से कम एक तो रील्स बन जाता तुम्हारा, ईजी वाला यूट्यूब रील्स बन जाता, डालने में अच्छा रहता। चलो अच्छा खासा यहाँ पे वो बस टैग कर लिया है, उसके बाद लेवल 10 भी हो गया। देख रहे हो भाई एक तरफा मैच कर दिए हैं, इतना गंदा ऐसा आया था स्टार्टिंग में। अगर सामने वाला टीम में टैंकी नहीं है
और तुम्हारा ब्लास्टोइज टैंकी है, बट उसको टैंकी बनने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तब तक के लिए हम ऐसा बुली करके रख देंगे कि लोग कुछ करने नहीं पाएगा। और ऊपर में देखे थे वो लोग, भाई एक ही बंदा को तब से संभाल रहा था, इसलिए ईजिली ऊपर में भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर नाइस वाला निकाले और क्या ही स्नैप था म्यू का, चलो यहाँ पर भी ख़त्म हो गया। और मेरा ऑलमोस्ट 3 स्टैक्स हो गया, हमको एक दो स्टैक्स और चाहिए, बट उतना स्टैक्स में हम ध्यान नहीं दे रहे, हम यहाँ पे KO निकालने का ध्यान दे रहे, क्योंकि इतना ओवर लेवल हो गया है भाई, कोई भी मिल रहा है इजी निकाल ले रहे। वैसे सिंडर लेवल 7 हो गया कैसे भाई थोड़ा सा ना पीछे होके खेलना पड़ता है जानते हो, इसी के चलते, क्योंकि हम मरेंगे भाई गजब लेवल देने वाले, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा टेंशन है। और मैं साइथर बहुत दिन से खेला नहीं हूँ, तो मूव सेट सबको कंट्रोल करना, और ये देखो भाई अल्टी चला दिया है, मर ना जाए करके। चलो कम से कम ब्लास्टोइज भी निकला यहाँ पे, और एक ठो और आ गया, फिर एक दो भाई स्टैक करने देते भाई। अरे यार सिंडर भाई, सिंडर को लेवल नहीं देना चाहते, ठीक है, उसको हम ना कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम पक्का कुछ गलत वाला चीज़ करेंगे और सामने वाला प्लेयर को गजब लेवल दे देंगे। और इतना ओवर लेवल होने के बाद ना एक चीज़ ख़राब रहता है कि मरना नहीं रहता, अगर मर गए तो भाई गेम थ्रो हो जाएगा एक तरह से, तुम बोल सकते हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई आ गया है तुम्हारा ड्रैगनाइट। एक तो ड्रैगनाइट से भी थोड़ा डरना पड़ सकता है, क्योंकि ये खेल रहा है तुम्हारा आउटरेज वाला, और आउटरेज भाई CC में गजब ले लेता है, इसी के चलते मैं फुल हिल खेल रहा हूँ तुम्हारा, समझा। लेकिन इसको इजीली यहाँ पे निकाल लेता है, फुल हिल मेरा बहुत ही काम आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई। लोग इतना ज़्यादा पिटा गया कि कुछ करने ही नहीं पा रहा है, पूरा एक तरफा मैच हो गया। मुझे ना ऐसा गेम डालने का मन नहीं करता, लेकिन साइथर का भाई हम बार बार नहीं खेलना चाहते, ठीक है। हमको साइथर एक दो बार इन्जॉय करने में अच्छा लगता है, उसके बाद फिर नहीं, इसलिए जैसा कि हो पाएगा जो मैच जैसा मैच जाएगा वैसे ही डाल देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टैक करते हैं, देख लो ऐसे ही किल्स विल्स कर करके मेरा लेवल, मतलब लेवल 5 बोल रहा है भाई, 5 स्टैक्स हो गया अटैक वेट का, जो बहुत ही OP है। अब मैं और भी ख़तरनाक डैमेज देने वाला हूँ, यहाँ पे एक बार और अल्टी चला सकता हूँ। यहाँ पे चे भाई इतना अंदर कैसे घुस गया ये बंदा, और ये पहले ही निकाल लिया। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ ब्लास्टोइज नौटंकी कर रहे हैं, ब्लास्टोइज को डालने नहीं देना है। चलो ब्लास्टोइज भी गया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नीचे वाला रेजी लेना स्टार्ट कर देते हैं, रेजी आइस है, चलो नाइस। वैसे रेजी स्टील रहता तो ज़्यादा काम आता, बट व्हाटएवर भाई जो भी रेजी मिल जाए, जब तक रेजी स्टील लाते हुए नहीं दिखता ना भाई बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद इसको देखो बंदा को, बेचारा कोशिश कर रहा है इतना गंदा अब एकदम क्या बोले भाई, बहुत ही ख़राब है, क्या हो रहा है ये मैच में हमको समझ ही में नहीं आता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे किल करते हैं तुम्हारे सिंडर को, उसके बाद यहाँ पे 36 नाइस, और देखो वालों का 6 टैक्स भी हो गया धीरे धीरे, और ऊपर में वो लोग रेजी लेके भी ले लिया, अब इजिली पुश भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये डर है कि पुश करवाते करवाते मर ना जाए, क्योंकि हमको ऐसे CC में नहीं घुसना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं मैच जीतने लगता हूँ ना एकदम ख़तरनाक टाइप का, वैसे वैसे मैं उल्टा सीधा काम करने लगता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा डर के रहना पड़ता है। हाँ एप्सोल का देखे अल्ट चलाया है भाई, तो हम भी अल्ट चलाने में वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एम्पलीफायर खेल रहे हैं, इजी मेरा अल्ट आ जाना चाहिए। अरे यार मिस हो गया सिंडर का, यही चीज़ होता है, निशाना लगाना भाई थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, एकदम आदत छूट जाता है ना, उसके बाद अचानक खेलोगे तो भाई एकदम एम वाला चीज़ नहीं करने पाते हो। वैसे यहाँ पे ठीक है, उसके बाद फिर से निकालते हैं, उसके बाद भाई देख रहा है मेरे पीछे पड़ गया था एप्सोल, अच्छा हुआ मेरा टीम बहुत अच्छा यहाँ पे किया। उसके बाद फिर पकड़ते हैं, और यहाँ देखो हम यही चीज़ कर रहे थे, और देखो ब्लास्टोइज बाय लेवल 13 हो गया डायरेक्ट देखिए ना क्या ही खतरनाक हम लेवल दिए यहाँ पे। वैसे बहुत ही खतरनाक मैच जा रहा है अभी तक, हमको लग रहा है 13-18 किल्स कर लिए हैं तुम्हारा, लेकिन बहुत ही खतरनाक लेवल दे दिया भाई, मेरा टीममेट्स लोग भी मर रहा है देख लो। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो के पूरा लेवल दे देना। वैसे सिंडर से मर मत जा मियो भाई, क्या कर रहा है, फिर तुम भी लेवल देने का काम कर रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, मेरा टीममेट्स लोग पीछे भाग जाता है, और नीचे में 50 भी डंक कर रहा है भाई, ये तो हो गया, कोई बात नहीं। वैसे उतना ज़्यादा नहीं पीछे हुए हैं, बट लेवल तो दे दिए हैं अच्छा खासा। देखो हम लेवल 14 में होके मरे हैं, तो ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा रिकवरी XP दिए हुए हैं। हम लेवल 15 होने का देखते हैं, ट्राई करते हैं शायद लेवल 15 हो जाए, एक मिनट तो है, एक मिनट में अगर हमको फार्म मिलता हो जाएगा, लेकिन ये लोग तोड़ा भी नहीं है ना ऊपर साइड का, वो प्रॉब्लम है, इसलिए हमको फार्म भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं घुसने का, पीछे होता है क्योंकि भाई 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 भाई, भाई। खतरनाक। चलो मेरे यहाँ पे SPO ने अल्ट चला दिया, जो अच्छा बात तो नहीं है, बट सामने वाला भी टीम चलाया है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो हम टॉप लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर रेजी लेके ले लेंगे तो फिर से एक बार घुसाने के लिए मौका मिल जाएगा। और भाई ये लोग यहाँ पे आ रहा है भाई, फाइट बैक कर रहा है, हमको तो लगा था बंदा लोग गिव अप कर देगा, लेकिन फाइट बैक कर रहा है। और यहाँ पे देखो सिक्योर कर लिया, बट भाई जिंदा नहीं बचे, ब्लास्टोइज का अल्ट है खतरनाक है, और मेरा टीममेट्स तो भाई यहाँ पे क्लीन अप कर रहा है खतरनाक वाला,
देखते हैं क्या करता है। एक दो बंदा को और मार के अगर ये लोग स्टार्ट कर देता है रेक्वाजा देन अच्छा रहेगा, बट अगर पहले ये लोग तो पहले ही स्टार्ट कर रहा है। वैसे सिंडर को वहाँ पर डिफेंड करना पड़ रहा है, ओपी है। और वैसे टीटारा भाई ड्रैगन नाइट आया, ड्रैगन नाइट को मार ले बस, और नाइस देखो नाइस हो गया यहाँ पे। चलो तो मेरा टीम मेट्स लोग, एक चीज़ था कि उन लोगों के पास प्रॉब्लम था रेजी लकी का। वैसे एंड गेम में भाई मैं क्या बोलूँ, रेजी लकी सिक्योर करते करते सेक्रीफाइस हो गया ना, तो अभी और भी कुछ कर सकता था। वैसे एंड गेम अभी बचा हुआ है, चलो कम से कम कोशिश करते हैं 20 किल्स करने का। अगर 20 किल्स हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, न तो भाई फिर क्या बोले कुछ नहीं कर सकते। तो चलो यहाँ पर भी घुसते हैं फिर से फाइट्स में एक बार। अब भाई स्टन में स्टन, ये लोग स्कोर तो नहीं करने देगा किसी को लग रहा है। और इसके बाद अल्ट डाल सकते हैं, फिर से डालते हैं। अरे भाई फुल हील दबा भाई, एंड में गजब टट्टी करती है, कोई बात नहीं तो यही था गेम गाइस, तो तुम लोग देख लिया। अब हमको लगता नहीं यहाँ पे मैं रिवाइव होने वाला, वैसे एक मिनट है ना, हो सकता हूँ भाई ये लोग स्कोर ना कर दे अभी भी जीत सकता है। हमको तो लगा गेम खत्म हो रहा, मैं टाइमिंग देखा ही नहीं, गलत समय में मरा हूँ, पूरा अल्टीमेट भी वेस्ट कर दिया। ऊपर मैं एप्सोल 50 डाल रहा, वैसे मैं सेकेंड और फर्स्ट बेस को तुम्हारा डिफेंड कर लूँगा, 15 लेवल हूँ अच्छा खासा है, लेकिन सामने वाला टीम को भी अच्छा खासा लेवल दे दिया हूँ। एंड वाला फाइट को भाई भुला जाना, समझा ना अपना दिमाग से डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पे सीजर आया डालने के लिए, इसको इजी डालने नहीं देना है, यहाँ पे इसको किल कर सकते हैं। भाई भाग कहाँ रहा है भाई, किल दे दे भाई भाई। उसके बाद डबल हिट से दौड़ाते हैं और यहाँ पर नाइस किल मिल गया। वैसे टॉप में जा रहा है फिर से, यहाँ पर देखते हैं। वैसे मेरा म्यू डिफेंड कर ही रहा है तो मैं पीछे चला जाता हूँ, वहाँ पे अचानक पता चला ढेर सारा बंदा ऊपर में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे ब्लास्टोइस को थोड़ा परेशान करता हूँ, भाई भाई ब्लास्टोइस मर जा भाई। और यहाँ पे नेक्स्ट किल, और देखो यहाँ पे दो किल कम से कम एंड फाइट में लाए, शायद 20 किल्स हो गया हमको लगता है, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं रिजल्ट देखते हैं फाइनल वाला। और 21 किल्स और 10 असिस्ट और 90 के का डैमेज, बहुत ही मस्त भाई। लगता है मैं एसपीओन का 2-3 किल्स चोरी किया बट वही काम ही है भाई मेरा क्लीन अप करने वाला। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा वीडियो बताओ मुझे कमेंट्स पे, और साइथर के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो वो भी कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगे तो लाइक और सब करना मत भूलना। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।